हे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली आप सभी को। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को, उन सभी के परिवार को हैप्पी दिवाली। और आई होप कि आप लोग की ये दिवाली काफ़ी बढ़िया रहे और आप लोग काफ़ी कुछ अपने में एक्सप्लोर करें, जो आपकी अच्छी आदतें हैं इन्हें अपनाएं और बुरी आदतों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5G इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि क्यों यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, मतलब कि जो हम लोग हैं बेसिकली, हमें यहाँ पे क्यों वेट करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली जैसे कि हमारी जो सरकार है, इसने जो बैंड वगैरह हैं ये बेच दिए कंपनीज़ को। तो कई सारी कंपनी जिन्होंने इन्हें ख़रीदा, जैसे कि जियो होगी, एयरटेल होगी, आपकी वोडाफोन आइडिया होगी, तो इन सभी ने इन्हें ख़रीदा। यहाँ पर ऑक्शन हुए थे बैंड वगैरह के, जिनके बेसिस पे यहाँ पे अपनी अपनी जो कंपनी आ रही थी उन सभी ने, जो भी आप कह सकते हैं उनके सूटेबल बैंड्स थे, अभी जितना उनका पैसा था उनके हिसाब से इसके बैंड खरीदे, और अब वो उन्हें ऑपरेट करेंगे इंडिया में। यहाँ पे 5 सिटी हैं जहाँ पे ये अभी यहाँ पे ऑपरेट करने की बात करी गई है। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इन 5ों के बारे में बताना है कि इन 5 सिटी के नाम क्या हैं। इनके बारे में मत बताइएगा, पर इन 5ों सिटी के जो नाम हैं इसको आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि करके इन सभी के बारे में आखिर क्या है ये बात और क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल तक के लिए आप लोग के लिए ऑफ़र अवेलेबल है। आप लोग DLWHHJ90 जो है इसे यूज़ करके जो ऑफ़र है इसे अवेल कर सकते हैं, 20% ऑफ आप लोग को मिलेगा। 27 अक्टूबर से जो नए बैचेज हैं ये भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पे ऑफ़र वैलिड है सीसेट के लिए, इसका फ़ायदा भी आप लोग ज़रूर उठाइएगा। UPSC प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे 24 अक्टूबर तक ऑफ़र वैलिड है, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और 13 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है यहाँ पे UCSC, तो एनरोल करके आप लोग यहाँ पे फ्री में, मतलब स्कैन करके यहाँ पे फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ओके, EPFO की क्लासेस लाइव हैं आप लोग के लिए, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, साथ ही 0% की EMI के साथ आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा जो कम्पीट ऐप है ये भी लॉन्च हो गया है, तो आप लोग इसके साथ भी कई सारे जो प्राइसेस वगैरह हैं ये अवेल कर सकते हैं फ्री में। दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं एनरोल करके, तो जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए। अब देखिए, बहुत आराम आराम से मैं वीडियो को लेके जाऊँगा और एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या बात है और क्या नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अनाउंस करा था, आप कह सकते हैं जब हमारा जो 5G सर्विस वाला लॉन्च इवेंट हुआ था उस टाइम पे, कि भारत के अंदर जो 5G सर्विसेज हैं ये एक अक्टूबर से मतलब आ जाएंगी। तो ये बात यहाँ पे हमारे मोदी जी ने कही थी। पर दोस्तों इसके 3 दिन बाद भी यहाँ पे आप कह सकते हैं मेजॉरिटी जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनके यहाँ पर बात करी गई थी कि उन तक ये पहुँच जाएंगी। जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं जिनके पास उनका फ़ोन है जिसके अंदर 5G अनेबल्ड हैंडसेट हैं, या फिर उन सिटीज़ जहाँ पे आप कह सकते हैं सर्विसेज हैं, वो लोग इन्हें अवेल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्पीड आएगी 5G की, मतलब कि जिसके नाम से 5G इतना ज़्यादा बिक रहा है बेसिकली, कि 1 GB/s की स्पीड, और इतनी स्पीड बताई जा रही है, तो वो कब आएगी, ये आपकी दिसंबर तक आएगी। उसके बाद ही आप लोग जो हाई स्पीड जो इंटरनेट है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई मतलब नहीं है आपका। सेम आप 4G चला लीजिएगा, बढ़िया चलेगा आपका। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, दिसंबर के बाद तक ही आपके पास इतना अच्छा मौका मिल पाएगा कि आप लोग यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब कौन यहाँ पे ऑपरेट करने वाला है 5G को, किसने लॉन्च कराया है, किन सिटीज़ में ये आ गया है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। करेंटली दोस्तों यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, जिन्हें यहाँ पर ऑफ़र किया है सर्विसेज़ को कुछ लिमिटेड सिटीज़ के अंदर। देखिए दोस्तों मैं बताऊँ कि जो भारतीय एयरटेल है इसने अपना जो है कमर्शियल रोल आउट जो है वो सर्विसेज दे दी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर, वाराणसी, ओके, इन सभी के साथ। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके बारे में रिलायंस जियो ने, तो इसने अपना बीटा जो ट्रायल है ये दिया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी के अंदर, इनके अलावा कहीं पर भी नहीं दिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो ये नेटवर्क है ये यूनिफॉर्मली अवेलेबल भी नहीं है, जैसे कि दिल्ली और चेन्नई के अंदर। ओके, जो भारतीय एयरटेल 5G है ये करेंटली अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड एरियाज़ में, यानी कि पूरा दिल्ली में नहीं है। आप लोग पूरे दिल्ली में अगर कहीं घुस गए तो ऐसे नहीं चला पाएंगे, कुछ दिल्ली के अंदर भी सिलेक्टेड एरियाज़ हैं वहीं पे आप कह सकते हैं 5G सर्विसेज अवेलेबल हुई हैं, तो ये बात भी हमें पता लगती है। वहीं बात करें भारतीय जो एयरटेल है इसने कमिटेड है कि ये इंट्रोड्यूस करेगा 5G सर्विसेज हमारी पूरी कंट्री में बाय मार्च 2024। और रिलायंस का दोस्तों ये प्रॉमिस है, ओके, ध्यान दीजिएगा, रिलायंस का ये प्रॉमिस है कि वो डिलीवर करेगा 5G को एवरी टाउन, एवरी यहाँ पे जो तुल्लुका है वो वाला, और एवरी तहसील के अंदर हमारी पूरी कंट्री में बाय दिसंबर 2023। तो एक तरीके से देख रहे हैं आप लोग कंपटीशन लगा हुआ है। जियो बोलता है भाई साहब आपसे पहले हम ले जाएंगे, एयरटेल वालों से पहले, और जियो एक्चुअली में दोस्तों ये कर भी सकता है, पॉसिबल कर सकता है। 4G जब आया तो जियो ने लेके आया, तो ये 5G भी शायद हो सकता है, शायद बड़ी इन्वेस्टमेंट करे, पैसे वाली पार्टी है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। तो जियो आ गई है बेसिकली एयरटेल से,
तो ये हो सकता है पॉसिबल हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया, जिसने ये बोला है कि वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेगी। ये तो बहुत पीछे है, इसका तो अभी स्टार्ट की बात ही चल रही है। जो यहाँ पे नेटवर्क रोल आउट हैं वो अंडरटेक हैं फेजेज़ में, और उन्हें यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए बाय ऑपरेटर्स। पैसों की कमी दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है वोडाफोन आइडिया को। आप लोग को मुझे बताना है कुछ, आप कह सकते हैं दिन पहले या महीने, साल मान लीजिए, कुछ साल पहले हुआ था, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि क्यों यहाँ पे जो वोडाफोन और आइडिया है ये मर्ज हो गए। इनका आप लोग को रीज़न बताना है मुझे। पहले दोनों अलग अलग कंपनीज थी, लेकिन क्यों ये मर्ज हुई इनका आप लोग रीज़न बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ने अनाउंस करा अपना प्लान कि वो इन्वेस्ट करेगी 2 लाख करोड़ को हमारे पूरे नेशन वाइड में 5G जो नेटवर्क है इसको एनरोल करवाने के लिए, रोल आउट करवाने के लिए बाय दिसंबर 2023। तो 2 लाख करोड़, कल दोस्तों हमने बात करी थी 1300 करोड़ की, परसों, आज बात चल रही है 2 लाख, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए ना। तो इतने करोड़ रुपए, इसके पीछे 7 जीरो और हैं, देखिए मैं गिनती तक भूल गया, इतने जीरो हैं। आप लोग को वीडियो पॉज करके देख गिनने पड़ेंगे, इतने यहाँ पे जो पैसे हैं इसकी बात करी जा रही है। इतना मिल जाएगा तो भी बहुत है मेरे लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ सही है, 20 लाख हो गए ना। हाँ तो चलिए एक और ले लीजिए, तो 2 करोड़ रुपये अगर मुझे मिल जाएंगे तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन हाँ, ये लोग इतना पैसा जो खर्च करने वाले हैं इन चीज़ों पे, 5G वालों के लिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। एक ये सवाल भी आता है लोगों का कि क्या सारे जो स्मार्टफोन ओनर्स हैं वो 5G यूज़ कर पाएंगे। सबको मौका चाहिए भाई, सब चाहते हैं कि उनका फ़ोन बढ़िया चले, फास्ट स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो देखते हैं इसका सवाल और जो जवाब है वो है नो, नहीं आप लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड यूज़र्स हैं या फिर वही यूज़र्स जिनके स्मार्टफोन के अंदर 5G कैपेबल है, वही एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन सभी सर्विसेज को। और करेंटली दोस्तों स्मार्टफोन बेस में अबाउट 600 मिलियन फ़ोन्स हैं, पर उनमें मात्र 50 से 60 मिलियन हैंडसेट हैं जो कि एस्टिमेटेड बताए जाते हैं 5G स्मार्टफोन के लिए। और आप कह सकते हैं फर्स्ट जो यहाँ पे 5G स्मार्टफोन आया था हमारी कंट्री में वो 2020 में आया था। आप लोग अगर हो सके तो इसका नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके, कि क्या नाम है इस स्मार्टफोन का जो कि पहली बार 5G भारत में आया था। देखिए दोस्तों, जो यूज़र्स हैं 50 से 60 मिलियन जो फ़ोन चलाते हैं, लेकिन उन्हें भी ट्रबल हो रही है इस टाइम पे, जो 5G सर्विसेज है उन्हें उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, या तो वो इतनी अच्छी स्पीड नहीं दे रहा है, वो 4G बढ़िया चल रहा है उनका। और एक सेटिंग होती है, आप लोग को वो सेटिंग चेंज करनी पड़ती है अपने फ़ोन के अंदर, उसके बाद ही अनेबल हो पाएगा आपका। अभी आपका जो 4G लाइट वाला चल रहा होगा उसे चेंज करके आप लोग को 5G करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस एनी 5G सर्विसेज इन योर फ़ोन। कुछ ऐसे फ़ोन है दोस्तों जब वो यहाँ पर लॉन्च हुए थे बेसिकली अपने 5G नेटवर्क पे भारत के अंदर, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहली बार ये चीज़ आई कि उनको सपोर्ट होगा 5G बैंड्स का, जैसे कि N1, N12, N78, N28, N58। अब ये कुछ ऐसे बैंड हैं जो कि भारत में काम करने वाले हैं। क्या है बैंड ये, अगर मैं छोटा सा आपको बताऊं मैं, तो हर एक जो यहाँ पे नेटवर्क होता है ये किसी बैंड पे काम कर रहा होता है। तो जो भी कंपनी यहाँ पे आप कह सकते हैं अपने स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो वो उसके अंदर बैंड्स देती है ऑलरेडी। आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे तो आप लोग को पता लग जाता होगा, एक इस तरीके से फ़ोन में, अगर ये मान लीजिए आपका फ़ोन साइड से है, साइड का व्यू है ये, जहाँ के बटन होते हैं पावर ऑन ऑफ वाला, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक लाइन सी से खींची होती है, एक्स्ट्रा लाइन होती है वो, तो वो बैंड के लिए होती है आपकी, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं उसको, समझ जाएंगे आप लोग कि मेरे फ़ोन बैंड लगा या फिर नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू दोस्तों इंडस्ट्री एक्सपर्ट, यहाँ पे बोला उन्होंने कि सिमिलर जो टेस्टिंग प्रोसेस है ये फॉलो करी गई थी 4G के लिए, अब उसके बाद सेम यहाँ पे 5G सर्विसेज के लिए भी करी जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें पहले चेक किया जाएगा भाई सही है कि गलत है, उसके बाद ही लोगों तक पहुँचाया जाएगा। जो यहाँ पे हैंडसेट मेकर हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो पिछले 2 सालों से लगभग काम कर रहे हैं इसी पे, और जिन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं बाय करा था स्पेक्ट्रम 2010 ऑक्शन में जब चालू हुआ था 4G रोल आउट उस टाइम पे, तो अब जाके दोस्तों 2021-22 तक जाते थे तो हमें 4G की स्पीड अच्छे से मिलने चालू हुई है, और जैसी ये आई है तो स्टार्टिंग में आप मान सकते हैं 5G की सेम ऐसी स्पीड रहने वाली है जैसे 4G की रही थी, कुछ टाइम लगेगा उसके बाद ये 1 MB जो 1 GB वाला कॉन्सेप्ट है इसको दे रहा होगा, तो आप लोग मान सकते हैं कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी बढ़िया स्पीड आएगी इस टाइम पे। साथ ही दोस्तों इन्होंने ऐड करा कि वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे आप कह सकते हैं काम रहने वाला है, 5G एक्सेलरेट होता है दोस्तों चाइना में, जैसे कि वहाँ पे 2020 में ही 5G लॉन्च हो गया था, चाइना आगे निकल गया हमसे इस बार फिर। तो देखिए चाइना ने डोमिनेट करा अपना ग्लोबल 5G बेस स्टेशन, और यहाँ पे लगभग 60% जो टोटल 5G बेस स्टेशन है वो डिप्लॉय करवाए ग्लोबली। चाइनीज़ जो यहाँ पे टेलकोस हैं इसके यहाँ पे बोला गया कि कंप्लीट नेशन वाइड कवरेज कर ली होगी बाय द 2022 एंड, मतलब कि इस साल के अंतिम तक पूरी दुनिया भर में नेशन वाइड जो चाइना के टेलीकॉम सर्विसेज हैं ये आ जाएंगी, और चाइना 5G सर्विसेज को यूज़ करना चालू कर देगा विद द बेस्ट पॉसिबल स्पीड। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कह रहे हैं इसको,
काफ़ी सारे ऐसे मैन्युफैक्चर हैं दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑपरेटर्स का, कि वो रोल आउट करवा सकें ओवर द एयर अपडेट के साथ, जहाँ पे जो यूज़र हैं वो एक्सेस कर पाएंगे 5G सर्विसेज को। जो एप्पल है दोस्तों, इसने कहा कि जो इसका यहाँ पे कैरियर पार्टनर है इंडिया में, वो 5G एक्सपीरियंस को लेके आएगा टू द आईफोन यूज़र्स एज सून एज नेटवर्क वैलिडेशन चालू हो जाता है, टेस्टिंग फॉर क्वालिटी चालू हो जाती है और परफॉर्मेंस जैसी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 5G दोस्तों अनेबल किया जाएगा वाया सॉफ्टवेयर अपडेट, और ये बहुत जल्दी हमें आईफोन्स वगैरह में देखने को मिलेगा दिसंबर तक। यहाँ पे भी दिसंबर तक के लिए वेट करना पड़ेगा आईफोन यूज़र्स को भी। ओके फिर दोस्तों, सैमसंग सौमी जो है, ये कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होंगे 5G नेटवर्क को, और इसके अंदर जो सैमसंग है ये कमिट होगा कि वो रोल आउट करवा सके OTA अपडेट्स बाय द मिडल ऑफ 2022, और जो सौमी है ये दिवाली तक आप कह सकते हैं चालू करवा देगा, कल ही दिवाली है दोस्तों। ओके लेकिन बता रहा हूँ कि इनका ये कहना है तो आप लोग मान लीजिए भाई कि दिवाली तक चालू हो जाएगा, वेट कर लीजिए थोड़ी देर। जो गूगल है दोस्तों, इसने अभी तक कोई भी यहाँ पे टाइमलाइन नहीं दी अपनी डिवाइसेज के लिए, ना ही उसने कुछ बोला है कि क्या उसके जो वर्किंग है ऑपरेटर्स है वो चल रही है, पर हाँ कुछ यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि ये फंक्शनैलिटी बहुत जल्दी ही चालू कर सकता है अपने फ़ोन्स के अंदर। ये भी अच्छी बात है, हर एक कंपनी कॉम्पिटेटिव नेचर के साथ काम कर रही है और हमें आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या बातें हैं जो कि आपको और यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है वीडियो हमारी आज की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।